हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारसेरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या हुआ है। ये वीडियो वैसे संडे को आने वाला था, बट कल कुछ रीजंस की वजह से ये वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाया, तो वीडियो आज अपलोड हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस को मिस ना कर सकें, और आगे से वीडियो संडे को ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो एमजी मोटर इंडिया ने एक डिज़ाइन का पेटेंट फाइल किया है इंडिया में, जिसका नाम है बाउजन YEP EV। ये एक छोटी SUV है जिसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। SUV भी नहीं, इसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कहेंगे, जिसका डिज़ाइन SUV टाइप दिया गया है। इसका डायमेंशंस लगभग MG कॉमेट EV जैसे ही होंगे। अगर डायरेक्ट बैटरी की बात की जाए इसकी, तो इसमें आपको 28.1 किलोवाट आर की बैटरी देखने को मिलेगी, जो 68 BHP का पावर और 140 NM का टॉर्क प्रोवाइड करेगी। रेंज की बात करें तो ये 303 किलोमीटर्स का रेंज प्रोवाइड करेगी। और चार्जिंग की स्पीड की बात करें तो ये 30-80% का चार्ज 35 मिनट्स में कर लेगी, अगर इसमें फास्ट चार्जर लगाया जाए। अगर लॉन्च की बात की जाए तो हो सकता है इसे इस साल के आखिर तक लॉन्च कर दिया जाए। अगली न्यूज़ की बात करें तो मारुति सुजुकी ने कुछ फीचर्स को ऐड और कुछ फीचर्स को डिडक्ट कर दिया है अपने इन दो व्हीकल्स में से। सबसे पहले वैगनार की बात करें तो ZXi+ वेरिएंट में, वैगनार में आपको रियर डिफॉगर अब देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको रियर वाइपर एंड वॉशर तो मिलेगा, बट रियर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर ऐड कर दिया गया है। वहीं ब्रेजा की बात करें तो इसमें के जो मैनुअल ट्रांसमिशन के वेरिएंट्स हैं उसमें से माइल्ड हाइब्रिड को डिडक्ट कर दिया गया है। और तो और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स को CNG वेरिएंट्स में से डिलीट कर दिया गया है। वहीं एडिशन की बात करें तो इसमें भी आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर हर एक सीट के लिए एडिशन देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो टाटा एल्ट्रोज के न्यू वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं टाटा मोटर्स के द्वारा। इसमें आपको दो नए वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक है XM और एक है XMS। आप दोनों की प्राइसेस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको नए फीचर्स ऐड हुए मिलेंगे, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs विद ऑटो फोल्ड, 16-inch व्हील्स विद व्हील कवर्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। सनरूफ आपको इसके XM S वेरिएंट में देखने को मिलेगी, और 9-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। ये ऑप्शनल है, आप लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। ये सिर्फ आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगा इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगली न्यूज़ की बात करें तो किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। हम जानते हैं कि इसको पहले रिवील कर दिया गया था, बट अब इसके प्राइसेस आउट हो चुके हैं, जिसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्टोस के कौन कौन से वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और आपको कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो टोयोटा हाइलक्स को इंडियन आर्मी के लिए डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी 2 महीने टेस्टिंग हुई थी 0 temperature के अंदर हाई अल्टीट्यूड्स में, और इसे फिर अप्रूव कर दिया गया इंडियन आर्मी के लिए। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो 204 PS का पावर और 420 NM का टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये 6-speed मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर के साथ प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें आपको 4-wheel drive स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। ये एक फेसलिफ्ट वेरिएंट है, और इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू ग्रिल देखने को मिलेगी, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, न्यू 11.4-inch कर्व्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, रीडिजाइन स्टेयरिंग, एक्टिव रोड नॉइस कैंसिलेशन। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2.0 liter का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 250 PS का पावर और 365 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करेगा।
और दूसरा आपको डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो 204 bhp का पावर और 420 nm का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। डिलीवरीज की बात करें तो इसकी डिलीवरी सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो ह्यूंडई ने भी अपनी सेंटा फे को रिवील कर दिया गया है। इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट ये एक नया जनरेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्क्वायर हेडलाइट्स, एच शेप्ड LED DRLs और टेल लाइट्स, 21 इंच अलॉय व्हील्स, 2 वायरलेस फ़ोन चार्जर्स, और जबकि इसकी टेक्निकल डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई हैं। इसे इंडिया नहीं लॉन्च किया जाएगा, इसे सिर्फ रिवील किया गया है फॉरेन मार्केट्स के लिए। अगले आपको ये कार डिफेंडर की कॉपी लगती है या नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैंने इससे रिलेटेड एक मीम भी पोस्ट किया है, आपको वो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो फिस्कर एक अमेरिकन कंपनी, उनकी एक ओशन इलेक्ट्रिक SUV इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ये कन्फर्म हो चुका है और इसे लास्ट क्वार्टर में लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे पहले इसकी 100 यूनिट्स को सेल किया जाएगा। प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्ट है इसका प्राइस 65-70 lakhs के अराउंड होगा। इसमें आपको एक ही बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो होगी 113 किलोवाट आर की। इसमें आपको ड्यूअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप देखने को मिलेगा जो मिलकर 707 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी देखने को मिलेगा, और तो और इसमें आपको 17.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि वर्टिकल होगा। इसमें जो आपको सनरूफ देखने को मिलेगी उसके जो पैनल्स होंगे वो सोलर के होंगे, मतलब कि अगर इस कार को जो एनर्जी मिलेगी वो सन रेज के थ्रू मिलेगी। क्या आप इस कार को इंडिया में देखने के लिए एक्साइटेड हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली न्यूज़ की बात करें तो टोयोटा टेजर लॉन्च होने वाली है इस साल के आखिर तक। ये रूमर्स हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जहां तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ही होगी, बस इस पे टोयोटा की बैजिंग लगी होगी जस्ट लाइक ग्लांजा, और इसमें आपको इंजन ऑप्शंस भी सेम देखने को मिलेंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल कार सेरा को।